भ्रमित कर देने वाली पहेलियां और ऑप्टिकल इल्यूजन काफी फन और इंटरेस्टिंग होते हैं, नहीं? ऐसे ही कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन्स या पहेलियां हमारी माइंड पावर को भी टेस्ट करते हैं, हमारी कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं, हमारा कंप्रेंशन भी चेक करते हैं। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी पहेलियों को सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे रिडल्स को देखेंगे जो हमारी माइंड की पावर को टेस्ट कर सकते हैं, उसी के साथ उनका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड द बिलीफ। अगले कुछ मिनटों तक आपका पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन पर आएंगे अलग अलग अमेजिंग पजल्स और ऑप्टिकल इल्यूजन्स जिनको आपको सॉल्व करना है। हर बार जब आप इसे अच्छे से सॉल्व करोगे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको लिखने हैं कमेंट्स में। नो चीटिंग, कमेंट्स में जाके पहले इसके आंसर मत ढूंढना क्योंकि आपकी माइंड पावर को टेस्ट करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए क्योंकि जैसे ही पूरा वीडियो खत्म होगा आपको अपना जो स्कोर होगा आउट ऑफ 40 वो जाकर भी कमेंट्स में लिखना है कि आपने कितना स्कोर किया। दिस इज गोइंग टू बी फन। बिफोर जंपिंग ऑन टू सम टफ इल्यूजंस थोड़ा सा वार्म अप कर ले। तो चलिए, आगे आने वाली इमेज को आपको 10 सेकंड तक देखना है और उसके बाद सही जवाब देने पर आपके खाते में 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। रेडी? तो बताइए कि इस इमेज में कितनी मैचस्टिक्स आपको दिख रही है, गौर से देखिएगा। ठीक से गिन लिया? देख लो कितना है फिर, 5, 6, 7 या 8। 8 इज द करेक्ट आंसर। एक बार उस फोटो को फिर से गौर से देखिए कि टोटल 5 मैचस्टिक्स है जो सामने रखी हुई है, जो आपको क्लियर कट दिख रही है। उसके बाद अगर रिफ्लेक्शन पे ध्यान दो तो उन 5ों का रिफ्लेक्शन तो है, लेकिन 3 मैचस्टिक्स का रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है एक्चुअल के साथ। तो 8 हुआ सही जवाब। और अगर आपने 8 सोचा था, उसका जवाब आपने कमेंट में लिखा था, तो गुड जॉब। अब आगे बढ़े। गलतियां ढूंढना हम सबको पसंद है, नहीं? तो चलिए तैयार हो जाइए क्योंकि अगली वाली इमेज में आपको गलती ही ढूंढनी है, आपको मिस्टेक स्पॉट करनी है। ये इमेज आपके सामने रहेगी 10 सेकंड के लिए और सही मिस्टेक स्पॉट करने पे कमेंट में लिखने के बाद आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। पता कर ली मिस्टेक? तो जिसने मिस्टेक पता की कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। चलो आइए फिर से इसको देखते हैं। क्या नंबर में कुछ गड़बड़ी है या फिर कलर में कुछ गड़बड़ी है? देखो एक बार फिर से। नहीं यार, यहाँ पे तो टेक्स्ट में ही गड़बड़ी है, एक मिस्टेक है, क्योंकि THE द 2 बार यहाँ पर लिखा हुआ है। जिसने भी सही जवाब दिया क्लैप फॉर योरसेल्फ और कमेंट्स में जल्द से जल्द आंसर को लिख दो ताकि बाकियों को भी पता चले। अब आइए जरा इसके लॉजिक को समझते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को जब भी बोला गया कि तुम्हें इसमें एरर फाइंड करना है तो हम सबसे पहले जाते हैं डिफिकल्ट चीज की तरफ की, और सीक्वेंस में कोई गलती हुई होगी या फिर कलर्स, उसकी वजह से तो और ध्यान खींचा गया आपका, थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया गया आपको। वहां पे आपने ध्यान दिया, कुछ नहीं मिला। थी कहां पर? एक बॉस थी ऑब्वियस सी चीज पर जिसको आपने इग्नोर कर दिया था। अगर आपने सही जवाब दिया है तो अपने खाते में 5 पॉइंट ऐड कर लो। चलो अब अपना थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। आगे जो इमेज आएगी उसको देखो, 5 सेकंड के अंदर बताओ कि कौन सी लाइन ज्यादा लंबी है, लाइन ए या लाइन बी। आप में से बहुत लोगों को लाइन बी जो है वो लंबी लगी होगी, जिसके एरोज अंदर की तरफ पॉइंटेड है, और लाइन ए जिसके एरोज बाहर की तरफ पॉइंटेड है वो शॉर्ट लगी होगी। लेकिन असल में तो दोनों लाइंस एग्जैक्टली सेम लेंथ की है, कुछ इस तरीके से। इस इल्यूजन को कहते हैं म्यूलर लायर इल्यूजन। अगर आपने सही पहचाना कि दोनों लाइन सेम लेंथ की है, कोई भी लाइन छोटी या बड़ी नहीं है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही बढ़िया है और आपको मिलते हैं 5 पॉइंट्स। ये नेक्स्ट वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकंड्स। रेडी? तो चलिए इसे देखकर बताइए कि ये जो डांसर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। क्या दिखा? क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज की दोनों डायरेक्शन में घूमती हुई नजर आई आपको डांसर। ये एक बहुत ही फेमस ऑप्टिकल इल्यूजन है जो 2003 में नोबुयुकी काहारा ने बनाया था। आप में से जिन लोगों का ये परसेप्शन था कि उसका लेफ्ट फुट जमीन को टच कर रहा है उनको डांसर क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखती है, और जिनको लगा कि उनका राइट फुट जमीन में टच कर रहा है उनको लगता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। हाँ हाँ, फिर से एक बार देख लो, मजा आया। अब ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों को ये दोनों डायरेक्शन में डांसर मूव करती हुई दिखाई दी होगी। इसका रीजन ये है कि जब आप इसको देख रहे थे तो आपने ब्लिंक किया या फिर अपना फोकस उस इमेज के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर शिफ्ट कर दिया, तो बस पलके झपका कर या अपना फोकस शिफ्ट कर आप एक ही सीन को दो अलग नजरिए से भी देख सकते हो। अब जो ऑप्टिकल इल्यूजन हम देखने वाले, ये शायद आपने पहले भी देख रखा होगा, लेकिन आज इसको एकदम सही तरीके से करेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए होगे बस 30 सेकंड्स। तो आइए इसको साथ में करते हैं। इस इमेज को गौर से देखिए और फोकस कीजिए रेड डॉट्स के ऊपर फॉर 30 सेकंड्स। अब इस व्हाइट इमेज पर जो एक्स है ना, वहां देखिए, अपनी पलके 3-4 बार झपकाइए, क्या दिखा? जिसको एक लड़की की तस्वीर दिखी, वो भी थोड़े थोड़े कलर्स में, वो कमेंट्स में जाकर जल्दी से लिखिए कि हाँ मैंने एक लड़की की तस्वीर देखी। क्या हुआ, आपको नहीं दिखी? कोई बात नहीं, इसे फिर से ट्राई करते हैं, इस बार 60 सेकेंड्स के लिए। इस इमेज को गौर से देखो, रेड डॉट के ऊपर फोकस करो फॉर 60 सेकेंड्स। अब इस व्हाइट इमेज पर जाकर एक्स है ना, वहां पर अपना ध्यान लगाओ, 3-4 बार पलके झपकाओ, देखा? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इस तरीके के इमेज के ऑप्टिकल इल्यूजन को आफ्टर इमेज कहते हैं, जिसमें अक्सर यह होता है कि किसी चीज को आप स्टेयर करो, किसी इमेज को आप फोकस करके देखो, उसके कुछ टाइम बाद अपने विजन में कुछ सेकेंड्स के लिए एक इमेज बन जाती है। जितना ज्यादा आप जिस इमेज को देख रहे हो उसका कॉन्ट्रास्ट होगा, उतना ही अच्छा विजन आपकी आफ्टर इमेज का आएगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है सूरज। जब आप एक ब्राइट सूरज देखते हो, उसके बाद अपनी नजर हटाते हो, कहीं और देखते हो फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, तो आपको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ आपकी विजन में दिखता है। तो कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको ये इमेज जो है वो 30 सेकंड में दिखी कि आपको 60 सेकंड ऑब्जर्व करना पड़ा, और अगर आपको 30 सेकंड में दिखी तो अपने खाते में 10 पॉइंट डाल लो। इस वीडियो का आखिरी इल्यूजन, चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ, जिसके लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड्स और सही जवाब देने पे मिलेंगे 5 पॉइंट्स। तो बताइए कि इस इमेज में टोटल कितने शेप्स हैं? कितने हैं? 5, 6, 7, 8 या 11? जिनको लगता है 11 है वो कमेंट्स में बताओ कि कौन से 11 है, और जिनको लगता है 6 है वो लोग भी बताओ कौन से 6 है। क्या बोल रहे हो, एक ट्रायंगल है? ओ व्हाइट उल्टा ट्रायंगल, ओवरलैपिंग, ओ इज इट? इसे कनीजा ट्रायंगल इल्यूजन कहते हैं। इसमें हम उस ट्रायंगल को इमेजिन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं जो कि असल में है ही नहीं। जरा देखो इसको, जो गैप्स को फिल करने की वजह से, हमारे परसेप्शन की वजह से आकृति बन जाती है। तो दोस्तों कमेंट्स में हमें बताओ कि अपना स्कोर क्या हुआ, किसने 40 out of 40 स्कोर किया है। ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, क्योंकि उनका स्कोर भी तो जानना है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही पजल वाले अगर और वीडियोस आप चाहते हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।